ओम शांति शांति शांति। अंत में भी इसको कह देते हैं, पहले भी कह देते हैं, क्योंकि इसका ओम नाम बड़ा है, ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान के बगैर कुछ नहीं। तो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का स्मरण करे शुद्ध आत्मा, ओम का स्थान माथे के बीच। ये तो शास्त्र का ओम नाम जो है, और ये समाजियों का वो बिल्कुल सही है। ये अपन है इधर के ज्ञान का केंद्र, सब चीज़ का केंद्र नहीं है, ज्ञान का केंद्र, समझ का, बुद्धि का, समझ का, विवेक का। यहाँ से जो चीज़ सत्य हो आप जैसे यहाँ एकाग्रता होने से, ये जितना भी ज्ञान दुनिया का ज्ञान है सब ओम के स्थान से निपटता। ये जितनी पढ़ाई टेक्नोलॉजी जितनी भी है ये ज्ञान से आती, लड़का ज्ञान से। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित की जरूरत है। एक टक इधर देखते इधर देखते देखते सत्संग सुनना नहीं आता उनको, उनको सिखाया जाता है कि सत्संग में बैठ के केवल सतगुरु के चेहरे को देखते रहो, और कुछ क्या कहता है उस और उसका चेहरा देखते रहो, ताकि तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। पहला स्टेज है कि सतगुरु को जाके सत्संग में बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखता रहता है, विचार इधर उधर नहीं जाते रहे, चित्त एकाग्र हो जाता है। ये ध्यान का पूरा तरीका, सत्संग में बढ़ जाएगा आपका साधन, वैसे नहीं बढ़ेगा आपका साधन, सुधन से नहीं बढ़ेगा। पहले साधन करोगे तो मैंने एकांत होगा, एकांत होगा तो तरह तरह के विचार होंगे, और उसी विचारों में भी एक विचार ऐसा जाएगा जिसमें खेलने लग जाओगे और कर्म किया अकर्म बनने लग जाएगा। और सत्संग भी ये सत्संग का तरीका है कि जाके बैठ जाओ, और ये बताइए है आखिरी शब्दी, ये मन वाणी की मन वचन की भक्ति बताई कि अंतर्मुख बैठे वो अलग, अंतर्मुख बैठे एकांत अभ्यास करे पावन शांत, दो दुरुट गगन को धाए खुशी और नाद बताए। तो ये तो बताइए एकांत के लिए, और मैं खर आपको बता रहा कि भजन भजन भोजन और स्त्री एकांत के है। ये भजन जो कभी कम लगा दी बैठ जाऊँ या भज बैठ जाऊँ, ये पहले श्लोकों का उठने से पहले बनाया जाता है, जिसमें कोई चिड़ी भी नहीं बोले तो वो टिकेगा मन। और ये रिवाज फड़ा हुआ थोड़ी देर लगता है, इधर बात करता है, इधर मंदिर में आ जाता है, इधर आ जाता है, एक आदत कम बैठ रहा हूँ। जैसे वो तुम तीन घंटे बैठे जे अभ्यास जो कुछ नहीं, तुम तीन घंटे बैठे तो क्या मिलता है, बैठने को योग निंदा चले जाते हैं। अभी उसको समझते हैं बस बाजी मारी आन दे दिया, चार खत्म हो जाते हैं सब के सब, तो उसी को सब समझते योग निंद्रा। अरे इसके अंदर जब तक इष्ट नहीं होगा तब तक कोई साधन नहीं, इष्ट होगा सामने या तो उसके सामने वो रूप होगा, अरे या उसके सामने प्रकाश होगा, अरे या इसके सामने शब्द होगा। तीन चीज़ अगर अनुभव करे तो साधन कर जाए, तो कुछ मैं पूछता हूँ कि क्या साधन करते हो, जो नहीं बताते हो कुछ, यह हमें आनंद मिलता है शांति, सोचता है योग निंदा होगा। तीन साधन जो करता है, तीन साधन हैं, बस रूप का सामने रूप धाऊँ नाऊँ गाऊँ तो रूप आ जाता है, और स्वरूप जिसमें विश्वास होता है उससे मन इकट्ठा हो जाता है, बढ़ाते आप हैं उसको छुटाया भी जाएगा आपसे। एक पहला पहला काम ये, तो मैं ओम ओम नाम की व्याख्या कर रहा था आपको। ओम का नाम जो छोटा नहीं है, तो बगैर ओम के कुछ काम है ही नहीं। ओम के बिना ज्ञान के बिना है क्या, सब ज्ञान है, थोड़ी एक ज्ञान नहीं इसमें, अध्यात्म का ही है, टेक्नोलॉजी का है, सब जितना दुनिया का ज्ञान है समझ है, और सब सब ओम के स्थान से आते हैं। इस इधर मन इकट्ठा हो जाता है तो समझ आ जाती है, समझिए नहीं बात। तो ये सिर्फ अध्यात्म का ही नहीं है, सब तरह का जित जो जो कुछ समझ बूझ है वह पहले यहाँ से सत्य देखा अगर होती है, जिसको जिस चीज़ जानना चाहते हो मन इकट्ठा हो जाएगा, वो पक्की हो जाएगी ठोस, सब ये नहीं बात। तो अभी शुरू करते हैं सत्संग। बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये बात पक्की होगी ना आपके, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर सत्संग मिल नहीं सकता। आप कहते बात नहीं आता, क्या है उसकी कृपा नहीं है, कर्म ही नहीं उससे आएगी, संस्कार ही नहीं कहाँ से रहेगा,
तो आखिरी जो चीज़ की टेक्नोलॉजी बताता हूँ, बता तो दिया आपको मेरे शब्दों में, कुछ शक नहीं छोड़ा उन्हें कि फिर आखिर इन्हें कैसे बताइए बातों और कैसे बताइए। तो कबीर की बात है, वो कैसे बताइए उसे, क्योंकि ज़्यादा मैं कबीर को देखा, दुआ दवा ही मेरे पास लिखा। तो कबीर कहता है, कहूँ उस देश की बतियाँ जानी हो दिन रतियाँ, नहीं उजारा दियारा नहीं चंद्र तारा, नहीं उजारा दियारा नहीं वहाँ पवन हो पानी, वो कहीं पवन नहीं है, पानी भी नहीं है, सब कुछ कभी आदेश है न्यारा, लखे कोई नाव का प्यारा, न योगी योग से पावे न तब सिद्धे जल जावे, सहज में ध्यान से आवे सुरत का खेल जिसे आवे। अब बोलो उसी को जो मैंने बताया ना कि इंद्रा विख्यानु में करने हो, उसको कितने छेड़ लगाई बताया गया है प्राचीन समय में, और मिश्री ही बताया गया तो कई दिन में जाते हो कहाँ जाते हो, तो कहते कहाँ ही जाते हैं, तो उसी जगह पहुँच जाते। अब बोलो ये शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है, ये प्रमाण ठीक है वो प्रमाण ठीक है, वो तो खास आदमी समझेगा समझेगा कोई नहीं। वो तो पहले बताने का टेक्निक बता रहा हूँ, आगे कितना फ़र्क था जो इसे कलियुग के संतों ने जो आखिर बताना शुरू कराया कबीर ने, तो भी सीधा नहीं बता सके वो, बहुत हद तक उसके दुए साफ हैं शॉर्ट में, लेकिन क्लियर नहीं बिल्कुल। और ये जो क्लियर क्लियरिटी है ये मैं इसलिए देता हूँ कि पंडित फकीर चंद जी पहले महात्मा हैं, तो उन्हें सास धनी पड़ी लोग कहते हैं कि ऐसा किसी ने बताया नहीं, और अब जो मैं बता रहा हूँ इससे विधि से भी नहीं बताया, अब फकीर ने अपने शब्दों में बताया, और तुम ध्यान नहीं करोगे इसके नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, तुझे ख्वाहिश करो ना भाई जितने तुम्हारी तमन्ना होगी उतने हो जाएगा सारा, इसको कहेगा वेद दिए सप्लाई, वेद दिए डिमांड दिए सप्लाई, मांग करो तुसी, इसको ख्वाहिश तमन्ना कहा उन्होंने। तो थोड़ा सा हर आदमी के समझ में दिक्कत आती है, और जो मेरी इसमें जो कमलान जो लिखी शैली मेरी ये बिल्कुल साफ और मेरे ख्याल नई तरीका है, तो जैसे नींद का काम रहता था कितना छोटा काम है, और वो कितना काम उजियारा दियारा वहाँ अगर काम का काल की ना ही ऐसे वहाँ काल में तो गति नहीं है कोई तरह की, उसी बात को जो मैंने गरीब ने बताया उसको कितना गहरा यूँ कहा है कि वहाँ चंद नहीं तारा नहीं उजियारा दियारा, वो ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वहाँ नहीं पवन वो पानी गए वो देश बिन जानी। अब ये बातें कह करके छोड़ दिया उसने, क्या समझेगा इसको, एक तो मेरे वाली गलती ठीक है कि वो तो ठीक है, वो तो कह खुद ही कह दिया खुद समझ लिया, और मेरे वाली साफ बता दी कह रहे भैया तुम गहरी नींद में कहाँ जाते हो, बताओ ये पहला शब्द तो मुझे प्रयोग कर रहा हो, मेरी शैली है मेरी समझ मेरे को इतना ही समझ आवा है, उन तो बहुत सा गाना आता था चंद्र काले का बता दिया वहाँ कुछ नहीं कुछ 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 नहीं गए देश वो जानी, देखे कोई नाव का प्यारा नाव का प्यारा देखेगा और कोई देख नहीं सकता, और गए वो देश बिन जानी वो कहता जिसने ये साथ लगाया वो जानता हर एक जानता नहीं, लेकिन क्लियर नहीं है यह बात है। क्या कह रहा हूँ कमल समझिए कि नहीं, जितने महात्माओं से परी कया काम वो क्लियर नहीं गया, पंडित फकीर सिंह जी ने कहा, ये पंडित फकीर सिंह जी की बात में क्या चीज़ है, क्या चीज़ है तमन्ना ख्वाहिश इश्क, वो इश्क को कोई प्रेम नहीं कर प्रेमवती को लोग समझे इसे लला मजनू वाला है, फिर वो इश्क जिसके अंदर वो माँ का सा प्रेम हो, माँ का प्रेम होता है वो प्रेम उससे भी ज़्यादा है, उसका नाम इश्क बताया फकीर, इसका मतलब प्रेम निस्वार्थ प्रेम, किसी तरह का उसमें अपनी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और वो खंचा हो जाता, वो प्रेम उसको नाम इश्क बताया उसने, वो कहा तुम इसको बदल के काम कर दोगे तो मेरा खो दोगा, ये वो जो है वो प्यार अलग है, गुरु का रूप लगे प्यारा काम निपति मेंजल धारा, सत्संग करना ऐसा सही है सत्संग का फड़िया ही सही है। तो फकीर जी ने कहा मेरा शब्द का बुद्धि करोगा नहीं इनको और तो समझोगा नहीं, इसका मतलब वो भी टेढ़ा काम है, अब मेरे पद्धि वाली बात में मुझे छोड़ी को नहीं, मैं कह रहा हूँ छुरी नहीं कर रहा हूँ, मेरी समझ बताता हूँ शायद हो सकता है और इसे मेरा इसे अच्छा बताने वाला हो कोई दावा नहीं है, पर मैं गुंजाइश नहीं छोड़ी कोई भी, तो कहाँ से रह सकता
ये मेरी अपनी शैली है, ज़्यादा शब्द नहीं जानता, शब्द मुड़ जाता नहीं, ऐसा शब्द नहीं बोलता जो आप समझोगे नहीं, जो स्पोकन लैंग्वेज में बोला जाता वो बात करिए, और उसी बात को वैसी की वैसी इसे लगा दिया। कुछ शब्द बंदी करे, शब्द होते हैं ना जैसे कबीर के, उनके शब्दों को कुछ बंदी कर दिया, जैसे मैं बोले हरियाणा शैली में कह दिए तो उनकी तारासन महाराज की शैली कह दी, और मैं हरियाणा शैली का ये कह रहा था तो इसके बाद भेद बता मेरे वधू साबित करनी कर रहा तू डाली भूल जगत मार जिद देखो तू तो नहीं हो, तो उस शब्द को इन्हें वो लगा दिया, कोई बात क्योंकि इसमें बता दिया कोई फायदा ज़्यादा करें तो मोरल डाउन या कुछ बहुत जल्दी कर देती, इसके बस की बात नहीं, थोड़ी सी कमी काट उसके काम में फट एकदम कांटे बदल जाती, और याद रखती है बहुत, पहले तो बहुत रखती है अब कम रखती है, मैं तो बात कर देता बदला नहीं लेती नहीं देती, इसका स्वाद नहीं आता तब नहीं इसके बाद नेचर है, तो मेरी नेचर शायद उससे भी ख़राब हो, मन पता चलता है ये दूसरे बताएंगे तेरी नेचर ये है, तो मेरे ये थूक आ जाता है तो मेरे को पता नहीं चलता, शीशा तो नहीं रखता अगर या देखते रहती अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को देखते पूछ लेता, तो ये नेचर अच्छी नहीं है समझिए, अच्छी बात नहीं ये थूक लगे आ रहे, तो वो ये देखते हैं मेरे को पता नहीं चलता, बेहोशी होती समझेगा नहीं, तो आपको शैली बताई है कि पहली शैली ये थी भाई कबीर साहब ने, और ये जो मेरी शैली में आपको बताई है सीधी, नींद में क्या होता है तुम्हारे डीप स्लीप में क्या होता है, सुपने की बात नहीं है इसमें, डीप स्लीप में क्या होता है काम में काम नहीं करता तो आपको हो सकता नहीं, तो ये होश बेहोशी का नाम जो है वो आके उसको भी नहीं कही तो बताई पहली पहली बंधन दूसरी तीसरी तीसरी छुट्टियाँ बंधन बनकर बताए, किसी ने कुछ बताया है किसी ने कबीर साहब की तरह, अब कबीर के शब्द ये कभी कभी ने कई शब्द गए इसके कई शैलियाँ बदली उन्होंने, कभी मैथुली शब्द में भी कहा अपनी भाषा में भी कहा, तो उनने बदली करके कहा, मतलब उनकी बात जो है वो कहने का ढंग जो था वो पेचीदा है, समझने की बात ईश्वर वही समझेगा जो उसके पास रहता, और ये मैं जो अब ये बताई ये कीर्तन जी मेरे बहुत अच्छे बताई, ये उनके अंदर क्या देखता हूँ कमी नहीं बता रहा हूँ, उनके अंदर इसके तमन्ना ख्वाहिश शब्द जो है एक आदमी सबता नहीं, और वो कहता है बुद्धि कर दो और वाकई ठीक है बुद्धि कर दो तो उन्होंने कहीं नहीं कहा, मैंने एक जगह बुद्धि कराया किसी ने कहा वो प्यारे लाल क्या आप राधा स्वामी लिखते हो, उन्हें मेरे को राधा स्वामी से बहुत प्रेम था कोई बात नहीं थी, मेरे राधा स्वामी से लोग नफरत करते हैं आजकल, तो राधा स्वामी अगर आप नहीं लिखो ने तो हद आपके बहुत ज़्यादा हो, तो मैं बह गया उसकी बात हूँ, अब बह के वो कहे कमल राधा स्वामी पाट देते सतगुरु का ही सतगुरु शरण राधा स्वामी में बता सतगुरु की शरण अपनी तरफ से लगाया ये, और फिर वो दिमाग में पागल जब ये समझी राधा स्वामी ने क्या है तो तू क्यों छिपाता उसको, नहीं पढ़े तो मत पढ़ो, किसी और चीज़ से एलर्जी होगी जिसको एलर्जी है होती रहे, इस तो सब तो राधा स्वामी का है तेरे को क्या कबड्डी करने का, तो राधा स्वामी को राधा स्वामी समझ तेरे को राधा स्वामी समझ देगा, अरे तू तो राधा स्वामी है नहीं, मैं तो सबका सब पंथ मेरे है, आज मेरा हो संदरी से आया विवेक क्या कर रहा है तुम्हें, राधा स्वामी के सब शब्द को छिपाता है और बात को बता सच्ची सच्चा ही बताता है, ये क्या कर रहा है, वो काटना मन कर दिया उसके बाद छपाने में क्या काटा मन उसकी बात में बह गया, तो वो आदमी किसी बात में नहीं बहे किसी सक्रम में नहीं बहे, मतलब तो देखता रहे वो ये बह नहीं उसके अंदर, हर में बह गया था उसकी बात में, पहले दर करता यूनिवर्सिटी में जाता है वो असर करता था यूनिवर्सिटी में रीडर था तो जाया करता था ऐसा उसने कहा था, तो मैं आज आपको क्या बताया है शैली बताई है, उदाहरण दिया कि ये शैली जो थी ऐसे थी अपनी अपनी शैली थी पर वो खुद की नहीं था, और अब वो कोशिश करें अपन कीर्ति खोलने की, और उसे आगे फिर मैंने खोलने की कोशिश कर दी, मैं जितनी जानता था वो मेरे साथ शब्द नहीं थे तो मेरे पास दुख करने की बात ही नहीं थी,
स्पोकन लैंग्वेज में, हो सकता दूसरी भाषा में नहीं ठीक नहीं हो। कई तो राजस्थान में जैसे आदमी बैठे होते राजस्थानी बोल देता हूँ, पंजाबी सामने बैठे होते उनका रेडियो सुना जाता है पंजाबी बोल देता हूँ, वो ठीक नहीं। कबला कहते हैं इंटरनेट पर जाएगा, हर आदमी कैसे समझा पंजाबी जानता नहीं, राजस्थान जानते नहीं, आता राजस्थानी पूरा बोले। ये देखते रहते हैं लोकर सोने विद्वान है ना, कहते राजस्थानी के शब्द बोले आज आप सारे आ पड़े कि वो फिंटावड़ा बैठे थे मेरे साथ राजस्थान, तो उनकी बात होता है ऑटोमेटिक, उनकी रेडिएशन से उनकी भाषा निकल जाती है। और ये ओन लोकर है, ये देखती है, इसको विवेक है, ये तो राजस्थानी बोलिए, तो कहते आज तो सारे राजस्थानी बोले, सब राजस्थानी बोले। मैं सोचता हूँ ठीक है बिल्कुल सही, क्या ये मेरे जवाब ठीक आती है, क्यों मेरी मजबूरी है कि जो आदमी आगे बैठे हैं उनकी भाषा का समझ में नहीं करते, जिनकी आता मुझे तेलुगु तमिल का नहीं आता, मैं ज़्यादा नहीं काट सकता उसके बारे में, तेलुगु तमिल वो नहीं बता सकता, तो वैसे भी आकर और बताता हूँ। कभी वो लोग कहते थे वाह ये वाह वो, अब मैं कहता वर्णम 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 पौणम 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 आ जाइए जाइए आइए आइए, तो नौकरों बोलता था वो चिरते थे उसे साला ये इसको वर्णम लगाता हूँ जाइए, बड़े गाँव से बोलता है इसको, जब मैं बोलते हैं ना भाषा में कौन सा बोल रहे हैं तो हमारी फेरी है कि हमारे पास अच्छा आदमी बोलते हैं, अच्छा आदमी बोल रहा हम जब वो सालानी की तरह बात करेंगे तो वो सोचता कैसे बात करता, तो हम सब बोले कौन सा बोल रहे हैं, कहते बाबू बोल जाऊँगा अफसर हो तो अफसर हो जाऊँगा, वो इसका का नहीं क्या कदर करता है। तो हम सीधी भाषा में क्या बोलते हैं, अभी कौन सा बोल रहे हैं आप समान से, क्यों हमारे पास साहब हैं ज़्यादा अपना आपको कहते हैं, हमको जैसे आई है और है कोई कोई जज है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, समझे नहीं डॉक्टर जी कर जाता। सर मैं क्या बता रहा हूँ आज आपको कि ये भाषा कहने के कई ढंग हैं, इस ज्ञान को बताने के कई ढंग हैं, पैडी जो रहे वो गुप्त में रहे, कलियुग के संतों बहुत हद तक साफ बताया कबीर वगैरह ने, बस छोटे में बताया सारे सब समझ नहीं सकते, कहता भाई पेड़ बबुल के तो आम कहाँ से खा, और वो कहता वो तुम्हारे अंदर है, कोई ध्यान कोई कहता ध्यान करता उधर से कोई इतने 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 मुनि ऋषि सब उसी का ध्यान करते हैं, और सोते रहे घट अंदर परम पुरुष अविनाश, वो परम पुरुष अविनाश, समझे इस भाषा में बात होता है। तो आज मैं आपको शैलियाँ बता रहा था अभी कि ये भाषा जो मेरी भाषा वो ये है, और वो भाषा इसलिए है कि मेरे को इसके आगे आती नहीं बात, सुंदर बात बढ़ना आता नहीं, सुंदर शब्द नहीं, प्रणव फकीर जी कहता है मेरे को इसके लिए शब्द नहीं बयान करने के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा, चाहे मेरी ताकत है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, वहाँ फिर आगे बताऊँगा, समझे कि नहीं ऐसी बात। और मेरे को ऐसी बात नहीं कि सब, मैं ये जरूर कहता हूँ कभी टेक्नोलॉजी के शब्द मेरे को नहीं आते, जो जो अध्यात्म के टेक्नोलॉजी के शब्द हैं वो नहीं आते, क्योंकि पढ़े ही नहीं, पढ़ता तो बोलता वो, तो मेरे पास ये तो मैंने आज आपको ये शैली बताई, क्योंकि आप बात समझेंगे तो आगे समझाने में वो कठिनाई नहीं होगी, वो नुकता चलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त की शैली थी उसने कह दिया, अभी आपको समझ आती तो आप सीधी कर दो उसको, न समझ आएगी तो उन शब्दों को कह दो, उन शब्दों में तो कह दोगे तो चलती आ रही है वो लकीर है, लकीर या फकीर हो अपने को होगा तो फिर वो देख लो, अगर राजस्थानी मारने लगी तो जैसे मुझे कमला कहती है ना राजस्थानी पूरा बोला, ये बात तो इंटरनेट पर जारी है, राजस्थानी बोल दिया मरेठा भी सुनेगा उसको, मरेठा भी सुनेगा, आसामी सुनेगा, बंगाली सुनेगा, तो उनको इतनी ज़्यादा नहीं आती राजस्थान, वो सब भाषा नहीं आती, तो वो समझेगा जो आपने हिंदी बोला है ना मोटी मोटी हिंदी अच्छी वो समझे, थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ ली है उसने साधारण बहुत समझे, समझिए ना बात। तो आज आपको हमने शैली बताई और इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, नई चीज़ बताई है कि या ऐसे ऐसे, और मिसाल दे दी आपको कबीर के शब्द की, कि वहाँ पवन और पानी नहीं वहाँ चांद दियारा दियारा,
ऐसे नहीं, वहाँ गम काल की नहीं, वहाँ नहीं धूप और छाही, धूप छाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। मेरा देश वह न्यारा लखे कोई नाव का प्यारा, गए वो देश बिन जानी, तो गए वो देश उस दिन अनुभव है, वो जानी का हरेक को नहीं पता चलता। उसका उदाहरण जो ऐसा मन दिया वो नहीं दे सकते, और मैं उसको प्रूफ देता हूँ। प्रूफ क्या सब आदमी करते वो बताता, तो बिना प्रूफ के बात नहीं करता, तो अनुभव ही होगा। प्रूफ उसी जगह जो बात कहूँगा प्रूफ से कहूँगा मैं, तो आपको गुंजाइश नहीं होगी उसको पूछने की, कपड़ा नहीं होगा, कपड़ों को बात नहीं करूँगा, समझे नहीं बात। फिर तो बालाजी माता जी कहते हैं मोतिया किसके बालाजी माता, अरे सब तो पता करता उनका, को बालाजी ने को माता जी ने को शिव ने को पार्वती ने को देना नहीं देना नहीं, ये सब उसे काली देव था उससे तू प्रकट कर देता है, तेरे प्रकट हो जाते हैं तो तू इसके विश्वास रखता है तो तेरा काम हो जाता है। ये तेरे लिए है, वो सबके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये तो मान्यता है, तेरी मान्यता वैसे हो जाता है, समझा कि नहीं बात। तो ये अलग अलग ये शैलियाँ हैं, ये मैंने आपको समझाई हैं और ये आपको बताई, तो अभी आप क्योंकि आप मैं चाहता हूँ आप मेरी जगह काम करें, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर करोगे तो आप जैसे जैसे वैसे करोगे, ठीक है ना। तरीका बता रहे हो काम आएगा, काम लिया नहीं कि नहीं आएगा, जब वो काम करने लगेंगे तो वही से ही आएगा, ये अड्यू कोर्स से टाइम होगी सुबह सुबह फिर आप काम करेंगे। मैं सोचता हूँ तो टाइम पर पहुँचा दो, तेरा एम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मेरा ध्यान ही होता है कि जाकर ये टाइम पर शुरू कर दूँ, आज जितने टाइम जाती है मैं उसको देखता रहता हूँ, अब बताता हूँ भाई इतनी ऊपर होगी, इतनी ऊपर होगी क्यों, मेरी टाइम वेस्ट हो रही है वो, और वो पहले उठा देगा तो किसको हवाल नहीं, वो ढोल धमाका कुछ करेंगे यार दोस्ताएंगे तब तो वो लोग आ जाएंगे, और आगे उसके बाद इंतजार नहीं करूँगा, टाइम होगी किसी बात को आए तो आए बुला जाए, फलान शेख नहीं आया तो मैं था वो जरूरी है उसको उसको लिखा नहीं आज, लेट आएगा वो तो दो चार बात तो सुनेगा, किताब तो ले जाएगा, नहीं सुना किताब तो ले गया तो किताब भी शर्त पड़ेगा सर, किताब तो गाँव में बांट देगा, कहीं बांट दे तो बांट दे, उन्हें बांट दिया उसका खोटा गर्म, ठीक है ना। अंत समय किताब ले जाए रे मेरी बात सुन ले, अभी इसकी टेक्नोलॉजी ये लिखा हुआ है, इसे इंटरनेट पर ही सुन लो, इंटरनेट की बात बता देता हूँ, वो दिखेगा वो जिसको मिलेगी, कहीं हम तो बता देता हूँ फलनी किताब में है और कहीं हम नहीं बताता, ये तय बोल देना आते हैं ऐसे बता देता, समझिए आप काफ़ी है।